ये क्वेश्चन है, शायद ये जो पीछे पूछा था उसी का हिस्सा है, मैं मिस कर गया, लेकिन इसका क्लियर डिफरेंट क्वेश्चन बन रहा है कि सर इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट साइंस हुआ ना, बिल्कुल जहां पर आपको दो या तीन सब्जेक्ट मिलके कोई कॉम्बिनेशन मिलता है वो इंटीग्रेटेड है। फॉर एग्जांपल यहाँ बायो केमिस्ट्री, बायो जो जूलॉजी, जहाँ कोई भी दूसरी और साइंस है ना, नॉर्मली हमने बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स ये पढ़े होते हैं, तो ये इंटीग्रेटेड है। ऐसे ही एसएसटी इंटीग्रेटेड है। तो इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट पीजीटी के लिए आप एलिजिबल नहीं होते, आपको सेपरेट सब्जेक्ट लेना पड़ता है पीजीटी के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप बायो साइंस आपने पढ़ी है तो फिर आप लाइफ साइंस पैडागोजी का सब्जेक्ट लोगे, आपने फिजिकल साइंस या केमिस्ट्री पढ़ी है आप वहां पर पैडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस लोगे, फिजिकल साइंस लेके आप फिर पीजीटी के लिए एलिजिबल होगे। सो साइंस प्योरली टीजीटी के लिए है और इसकी जो ब्रांच है वो अकेली पढ़ी हुई है और पैडागोजी बीएड में उसकी की हुई है, तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल होते हो। अब होते फिर यहाँ टीजीटी वास्ते, ये सिर्फ टीजीटी वास्ते ये हो गई है। सर मैनू इलेक्टिव का एग्जाम देना चाहिए है, साइंस का इलेक्टिव एग्जाम होंगे, एक मैनू क्लियर नहीं है किड़ा है एग्जैक्टिव एग्जाम तुम पूछ रहे हो, तो जो पिछला उसके साथ है तो वो तो आपका उत्तर हो गया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि कौन से आपने सब्जेक्ट बाकी पढ़े हैं, आपको बताना पड़ेगा, उसके बाद ही कंप्लीट हो सकता है। थैंक यू।